बीते शुक्रवार को मुंबई इंडियंस की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया, जी हां, जिसमें सबको हिला कर रख दिया। 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने इस बात का ऐलान किया कि अब रोहित शर्मा उनके कप्तान नहीं रहेंगे, उनकी जगह ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभालेंगे। यह बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि रोहित शर्मा वो शख्स है जिन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जितवाई है। रोहित शर्मा के अलावा कोई भी कप्तान मुंबई इंडियंस को आईपीएल नहीं जितवा पाया था। मुंबई इंडियंस का यह फैसला अधिकतर फैंस को चुभ रहा है, और चुभे भी क्यों ना, क्योंकि आईपीएल में कप्तानी के मामले में रोहित शर्मा का कोई तोड़ नहीं है। उनके सामने महेंद्र सिंह धोनी के अलावा हर कोई पानी कम चाय लगता है। मुंबई इंडियंस ने यह फैसला कर अपने फैंस को काफी निराश किया है। देखा जाए तो यह रोहित शर्मा जैसे लीजेंड की तौहीन करना है। हालांकि ऐसा कभी विराट कोहली की आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने नहीं किया। उन्होंने हमेशा विराट कोहली को वो सम्मान दिया है जिसके वह हकदार है। आपको बता दें कि विराट कोहली 8 साल तक आरसीबी के कप्तान रहे, लेकिन वह कभी अपनी टीम को आईपीएल का खिताब नहीं दिलवा पाए। विराट ने खुद 2021 के आईपीएल सीजन के बाद कप्तानी छोड़ी, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया था। आरसीबी आज भी उनका उतना ही सम्मान करती है जितना पहले करती थी। आरसीबी को विराट कोहली में आज भी विश्वास है। कोहली ने पिछले सीजन इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के तहत आरसीबी की कप्तानी भी की है। जी हां दोस्तों, दूसरी ओर रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को सब कुछ जितवाया है। उन्होंने 10 साल में एमआई को 5 बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी जितवाई, चैंपियन लीग भी जितवाई, मुंबई के लिए सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान भी बने, लेकिन इस सब के बाद भी उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। बहरहाल यह तो वही बात हो गई कि विराट आज भी विराट है और रोहित सब कुछ करके भी हार गए हैं। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।